الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه میں مانتا ہوں وبا کے دن ہے میں مانتا ہوں وبا کے دن ہے مگر یہ دن بھی خدا کے دن ہے دلوں سے مایوسیاں نکالو دلوں سے مایوسیاں نکالو ذرا سا آگے شفا کے دن ہے یہ پہلا موقع نہیں زمین پر یہ پہلا موقع نہیں زمین پر عزیزو یہ تو دعا کے دن ہے گزر گئی عمر غفلتوں گزر گئی عمر غفلتوں میں یہی تو رب سے وفا کے دن ہے یہی تو رب سے وفا کے دن ہے مگر یہ دن بھی تو خود
खुदा के दिन है। काबले एहतराम बुजुर्गों, मेरे अजीज नौजवान भाइयों, हमारी गुफ्तगू यहां तक पहुंची थी कि इंसान खैर और शर का मजमुआ है, खैर गालिब आ जाए तो मलाइका से आगे निकल जाता है, शर गालिब आ जाए तो जानवर से भी नीचे गिर जाता है। अब जाहिर है जब ये मजमुआ है खैर और शर का, इससे गलती भी होती है, इससे गुनाह भी होता है, इससे लग्जिश भी होती है, और जब इससे गलती गुनाह और लग्जिश हो जाए तो फिर उस पे दो तरीके हैं, या उस गलती पे डट जाना या खुदा के सामने झुक जाना। और जो लोग खुदा के सामने झुक जाया करते हैं, अल्लाह उन्हें अपने दामने रहमत में ले लिया करते हैं, और जो लोग डट जाया करते हैं अल्लाह उनको मिटा दिया करते हैं। कौमों की तारीख हमें यही बता रही है। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि तौबा और इस्तिग़फ़ार के लिए रुकावटें क्या क्या हैं। तो याद रखें कि सबसे बड़ी रुकावट तो ये है कि जब अल्लाह की मारिफत हासिल न हो, जब बंदे को पता न हो कि मेरा रब कितनी रहमतों वाला है, मेरा रब कितनी बख्शिशों और मगफरतों वाला है, तो फिर बंदा उसकी तरफ उस उम्मीद के साथ, उस जज़्म के साथ, उस मोहब्बत और मवद्दत के साथ नहीं बढ़ता। तो यही उसकी नाकामी है कि उसे अपने रब की फजलो अता का पता ही नहीं है कि वो कितना करीम रब है, वो कितना मेहरबान रब है, वो कितना ही मुआफ करने वाला रब है। लिहाजा पहली रकावट तो ये हुई कि जब बंदे को अल्लाह का तारुफ ही नहीं होता तो फिर उसके सामने वो दामने तलब ही नहीं फैलाता। वो ये समझता है कि मैं गलती कर बैठा तो एक गलती के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ना ना। अल्लाह फरमाते हैं तुम जरा दामन फैलाकर तो देखो, तुम्हारे दामन फैलाने में तो ताखीर होगी, मेरे माफ करने में ताखीर नहीं होगी। लिहाजा पहली रुकावट तो ये कि हमें अल्लाह की रहमतों की मारिफत ही नहीं है कि वो कितना करीम रब है, वो कितना मेहरबान रब है कि जो हमें बुलाना चाहता है, अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहता है। और याद करो, याद रखना, दूसरी बड़ी रुकावट जो बंदे के दरमियान और रब के दरमियान है वो शिर्क और बिदअत है। ये शिर्क और बिदअत ये इतनी बड़ी रुकावट है कि ये बंदे को तौबा की तौफीक सलब कर देती है। ये शिर्क और बिदअत एक ऐसा मर्ज है, ऐसी बीमारी है कि ये बंदे से तौबा की तौफीक ले लेती है। वो कैसे? हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, शैतान से मुलाकात हो गई, ख्वाब में मुलाकात हुई, देखा बहुत दुबला पतला है, परेशान है। पूछा, तुम कौन हो? कहा, मैं इबलीस हूं। परेशान क्यों हो? कहने लगा, परेशान अल्लाह की रहमतों को देख देख कर हो रहा हूं। परेशान क्यों हूं? अल्लाह की रहमतों को देख देख कर परेशान हो रहा हूं कि वो इतना करीम रब है, वो इतना मेहरबान रब है, वो इतना 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 सखी रब है कि मैं बंदे से गलतियां, गुनाह की तरफ उसे रागिब करता हूं, ये गलतियों की तरफ दौड़ता है, नाफरमानियों की तरफ दौड़ता है, इसकी कमर पे गुनाहों का बोझ पड़ता है।
یہاں تک کہ گناہوں کی وجہ سے اس کی قبر دوہری ہو جاتی ہے اور زمین سے لے کر آسمان تک گناہ ہی گناہوں میں جکڑا جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہوں کہ یہ تو اپنی جگہ پہنچ گیا ہے، اتنے گناہ کر بیٹھا ہے، یہ اب اس کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ اور پھر جب میں ایک دن نگاہ کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اس کے اوپر تو کوئی گناہ نہیں ہے، پوچھتا ہوں یہ کیا ہوا، کدھر گئے اس کے گناہ؟ کہا یہ ایک رات اپنے رب کے سامنے عاجزی سے رو گیا، گڑ گڑایا، آنسو بہائے، استغفار کیا، توبہ کی، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو کہا پھر تو تیری دکان نہیں چلے گی، پھر تو تیری دکان نہیں چلے گی۔ اس نے کہا کہ ہم نے اپنی دکان کے لیے نیا سودا لایا ہے مارکیٹ میں۔ کہا وہ کیا؟ کہا ہم نے سودا یہ لایا ہے اپنی مارکیٹ میں کہ بندہ گناہ کرے گا نیکی کے روپ میں، سمجھتا رہے گا کہ میں نیکی کر رہا ہوں لیکن اصل میں وہ بنیادی طور پر گناہ ہوگا۔ میں اس کے زندگی میں شرک اور بدعات لے آؤں گا، یہ نیکی سمجھ کے کرتا رہے گا اور اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی، کیونکہ توبہ کی توفیق تو تب ہوتی ہے بندہ گناہ کرتا ہے، تو نیکی کر کے تو بندہ توبہ نہیں کرتا نا۔ تو جب یہ نیکی کرے گا، جب یہ گناہ کرے گا تب توبہ کرے گا، نیکی کر کے تو توبہ کرے گا نہیں۔ لہذا میں اس کے اعتقادات میں، اس کے اعمال میں شرک اور بدعت کو لے آؤں گا اور یہ شرک اور بدعت والی زندگی کو اختیار کرے گا اور یہ اسی کے اندر مگن رہے گا، ڈوبا رہے گا یہاں تک کہ جہنم اس کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ ہاں میرے قابل احترام دوستو، یاد رکھنا اللہ رب العزت نے انسان کو یہ خوبصورت جسم عطا کیا اور اتنا خوبصورت جسم کہ اللہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اتنا حسین انسان شاہکار ہے میرے رب کی قدرت کا، کہتے سبحان اللہ، انسان شاہکار ہے میرے رب کی قدرت کا، اس کے اندر نہ کمی آ سکتی ہے نہ زیادتی آ سکتی ہے۔ کتنی قیمتی ہے آنکھ، اگر ایک ختم ہو جائے کہتے ہیں کانا آ گیا، اور اگر ایک بڑھ جائے یہاں لگ جائے تو کہیں ٹرین کا انجن آ گیا۔ آنکھ ہی لگی ہے نا، روشنی میں اور اضافہ ہوا، تین آنکھیں آ گئی، لیکن تین آنکھوں سے حسن ختم ہو گیا، ایک نتھنا اور نکل آیا، آکسیجن ہی تو جا رہی ہے لیکن حسن ختم ہو گیا۔ ہاتھ کی پانچ انگلیاں ہیں، چھٹی نکل آئی، آپریشن کرواتا ہے، میرے ہاتھ کا حسن ختم ہو گیا۔ پتا یہ چلا کہ انسانی جسم کو میرے رب نے حسن کا شاہکار بنایا ہے، نہ یہ کمی کو قبول کرتا ہے نہ یہ زیادتی کو قبول کرتا ہے، اور اس انسان کی ہدایت کے لیے جو نبی آیا
वो भी मेरे रब की रहमत का शाहकार नबी आया। फिर वो जो दीन लेकर आया, जिस तरह ये इंसान कामिल था, ना ये कमी कबूल करता है ना ये ज्यादती कबूल करता है, इसी तरह ये इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे जो दीन अता कर दिया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम कहकर, अब ना इसमें कोई कमी कर सकता है, अब ना इसमें कोई ज्यादती कर सकता है। अगर हम अपने जिस्म पर आंख के इजाफे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, पेशानी पे दो बाल ज्यादा हो जाएं तो कोई बर्दाश्त नहीं करता, इसी तरह मेरा रब अगर उसके दीन की शेप को कोई बदले तो मेरा रब भी इसे बर्दाश्त नहीं करता, मेरा रब भी इसे बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए मेरे बहुत ही काबिले एहतराम दोस्तों, अपने आमाल को शिर्क और बिदअत से महफूज रखना, और महफूज रखकर जब हम बारगाह इलाही की तरफ मुतवज्जे होते हैं तो वहां उसलूब बड़ा हकीमाना है, बहुत ही अजीब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا अजमतों वाले रब ने फरमाया इस्तग़फिरु रब्बकुम, यहां ये नहीं फरमाया इस्तग़फिरुल्लाह, यहां ये नहीं फरमाया इस्तग़फिरुर्रहमान, इस्तग़फिरुर्रहीम, इस्तग़फिरुल मन्नान, इस्तग़फिरुल हन्नान, नहीं, रब्बुल आलमीन ने फरमाया इस्तग़फिरु रब्बकुम। पहली बात समझो, जब कोई किसी को मुआफ करने पे आता है, आपने किसी को सता दिया, ज्यादती कर दी, मुआफ करने पे आया, तो अगर ये कहे कि ये मुआफी मांग ले, ये मुआफी मांग ले, इसका मतलब ये हुआ कि ये अब राजी होने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये हुआ कि ये राजी होने के लिए तैयार है। मेरे रब ने जब फरमाया इस्तग़फिरु रब्बकुम, जब मेरा रब मग़फ़िरत की बात कर रहा है तो पता चला कि मेरा रब मुआफ करने के लिए तैयार है। इस्तग़फिरु रब्बकुम, रब्बकुम इसलिए फरमाया, रब कहते हैं पालने वाले को, पालनहार को। इस्तग़फिरु रब्बकुम,
अगर तुम घर में जानवर पालते हो, तुम्हें उससे मोहब्बत हो जाती है। मेरा रब फरमाता है, मैंने तुझको आदम से वजूद दिया, मैं तुझे खिलाता भी रहा, पिलाता भी रहा, सुलाता भी रहा, मैं तेरा पालनहार हूं। इस्तग़फिरू रब्बकुम, अल्लाहु अकबर, अपने रब के सामने तलबे मग़फ़िरत कर। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जब बंदा बे इख्तियार कहता है या रब, अल्लाह मलाइका में ऐलान करते हैं, मैंने इसे मुआफ कर दिया। मलाइका पूछते हैं, रब्बुल आलमीन, इसने तो तौबा भी नहीं की, इसने तो तौबा भी नहीं की, आपने कैसे मुआफ कर दिया? हाय हाय, मेरा रब फरमाता है, ओ फरिश्तों, हुआ आलम आलिम अन्न लहू रब्बन, क्या वो ये बात जानता है कि उसका कोई पालनहार है? क्या उसे ये पता है कि उसका कोई पालनहार है? अगर उसे ये पता है कि मेरा कोई खालिक है, मेरा कोई मालिक है, मैं इसी निस्बत से उसे मुआफ कर देता हूं। एक बुढ़िया गुर्बत की मारी, लोगों के दरवाजे पे भीख मांगती है, लोगों के दरवाजे पे भीख मांगती है, कोई देता है, कोई कहता है सब्र कर, अल्लाह से मिलेगा, कोई दे देता है, कोई तसल्ली देता है सब्र कर, अल्लाह से मिलेगा। जिंदगी कट गई, एक दिन उसका वक्त पूरा हो गया और जान अपने खालिक को दे दी। चंद दिनों बाद एक साले इंसान उसे ख्वाब में देखता है कि जन्नत के बागों में है। पूछा, बीबी तेरे साथ ये कर्म वाला मामला कैसे हुआ? उस बुढ़िया ने अजीब बात कही, कहने लगी, मलाइका आए तो पूछने लगे, क्या लेके आई हो? मलाइका आए पूछने लगे, क्या लेके आई हो? मैंने कहा, लेके क्या आना था, दुनिया के जिस दरवाजे पे जाती थी कहते थे अल्लाह से मिलेगा, मैं तो आज अपने अल्लाह से लेने आई हूं। मैं तो आज अपने अल्लाह से लेने आई हूं, मैं क्या लेके आती, मैं तो दुखों की मारी हुई जिंदगी गुजार के आई। मेरे रब को मेरा जवाब इतना पसंद आया कि मेरे रब ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। इस्तग़फिरु रब्बकुम, ओ मेरे बंदों, अज़मतों वाला रब फरमाता है अपने रब के सामने दामने तलब फैला कर, आंसू बहाकर उसके सामने दामने तलब फैलाकर तुम मांगने वाले बन जाओ,
तेरे आने में तो ताखीर होगी, उसके मानने में ताखीर नहीं होगी। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, आज जिस सूरत हाल से पूरी दुनिया गुजर रही है, उस सूरत हाल में मेरी यही दरख्वास्त है कि हर शख्स अपने रब के साथ राब्ते में आ जाए। रात की तन्हाइयों में गिड़गिड़ाने वाले बन जाओ, तन्हाइयों में रब से बातें करने वाले बन जाओ। और याद रखो, वो इतना कदरदान है, इतना कदरदान कि जिसकी आंख से उसके डर और उसकी खौफ की वजह से आंसू निकल गया, फरमाया जमीन पे बाद में गिरता है, मैं मगफरत पहले कर दिया करता हूं। लिहाजा इन वबा के दिनों में और इन बीमारी के दिनों में, इस तूफान के दिनों में हमने अपने रब के साथ ताल्लुक को जोड़ना है, हमने शिर्क और बिदत से तौबा करनी है। ये जो हमारे दलायल हैं कि जी ये मना तो नहीं किया, ये किया तो नहीं, मना तो नहीं किया, नहीं मेरे भाई, ये कोई दलील नहीं है। अगर आप अपने जिस्म पर एक बाल का इजाफा पसंद नहीं करते, तो मेरा रब भी अपने दीन में एक नुक्ते का इजाफा पसंद नहीं करते। लिहाजा उसकी मारिफत, उसकी रहमत, उसकी बख्शिश, उसको बुनियाद बनाकर तो हमें रुजू इल्लाह करना है, दिल की गहराइयों से तौबा करनी है। और कम अज कम हर शख्स रोजाना 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह करनी है। इंशाअल्लाह घरों में भी इसका एहतमाम करना है, ताकि हमारे घरों में भी खैर और बरकत आए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हर तरह के शर से महफूज फरमाएं।